हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में चैप्टर 7 कोणीय ज्योमेट्री का 7.1 सॉल्यूशन का 6 नंबर से सॉल्व कर रही हूँ। 5 तक तो हमने कर लिया है, अब 6 से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये 6 नंबर? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट दिया है, इस पॉइंट से बोल रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है क्या, कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या, अगर है तो कौन सा बन रहा है उसका नेम लिखिए। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल को चेक करने के लिए सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर हमें लेंथ फाइंड करना होगा। विदाउट लेंथ तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो पहले क्या हम लोग लिखेंगे, लेट द गिवन पॉइंट पॉइंट्स बी ए, मान लेते जो दिया है उसको मान लेती हूँ, 1-2 बी 1-0 सी -1-2 एंड डी -3-0। ये गिवन पॉइंट है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सबका लेंथ। तो लेंथ क्या, जैसे कि क्वाड्रिलेटर के लिए सपोज दैट मैं कोई क्वाड्रिलेटर लेती हूँ यहाँ पर, तो क्या है ए बी सी डी, तो इस सारे का लेंथ मुझे फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फाइंडिंग, जैसे फाइंडिंग ए बी, ए बी फाइंड करने के लिए, तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट तो है ए बी, तो इसके लिए एक्स वन, एक मैं लिख कर बता देती हूँ, x1-1 y1-2, फिर x2 तो हो जाएगा बी वाले पॉइंट 1 एंड y2 = 0। देन फाइंड करो ए बी, डिस्टेंस फार्मूला बाय द यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी क्या हो जाता है हमारा, एक बार मैं फार्मूला लिख देती हूँ, x2-x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। ओके, देन पुट द वैल्यू ऑफ x2 x1, x2 क्या है 1 माइनस, फिर x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, फिर y2 0, तो 0 छोड़ देती हूँ, माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या दिया 1 1 2 2 का होल स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 4, फिर 2 का होल स्क्वायर 4, गिव्स अंडर रूट 8। ओके, ए बी हमने फाइंड कर रखा। नेक्स्ट बी सी, अब मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देती हूँ, अब लिख लेना आप एग्जामिनेशन में, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताती हूँ। बी सी, बी सी के लिए एक्स टू, बी सी के लिए एक्स टू वाई टू ये हो जाएगा, एक्स वन वाई वन ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1-1 का होल स्क्वायर फिर प्लस 2-0, तो 0 की कोई बात नहीं। नाउ गिव्स -2 का होल स्क्वायर 4 एंड दिस वन 2 का होल स्क्वायर 4, 4 अंडर रूट 8। तो ए बी बी सी एंड सी डी फाइंड कर लो। नेक्स्ट व्हाट इज सी डी, सी डी सी डी के लिए क्या हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर 0-2, तो इट मीन्स -2 का होल स्क्वायर। -3 + 1 -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 4, फिर -2 का होल स्क्वायर प्लस 4, क्या हो गया अंडर रूट 8। ठीक है, सी डी भी आपने फाइंड कर लिया। अब क्या करना चाहिए, देखो ए बी बी सी सी डी फाइंड हो गया, तो नेक्स्ट ए डी फाइंड होगा। ए डी, ए डी इज इक्वल टू ए डी एक्स टू -3-1 का होल स्क्वायर फिर 0-2 का होल स्क्वायर। -2 दे देगा, -2 का होल स्क्वायर करने पर 4, अब ये 2 का होल स्क्वायर 4 4 4 8, अंडर रूट 8। तो हियर वी सी दैट, क्या देख रहे हो, हियर वी सी दैट ए बी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये सारे अंडर रूट 8 8 8 8 दे दिया है। तो क्या इट वुड बी रोम्बस और स्क्वायर, जब ऑल साइड्स आर इक्वल होता है किसी क्वाड्रिलेटरल का, तो वो या तो रोम्बस हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है, बट यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
इसका डायगोनल एसी और बीडी भी फाइंड कर लेंगे। तो एसी के लिए एसी भी फाइंड करना पड़ेगा बीडी, और एसी इज इक्वल टू, जब बीडी हमें मिल जाएगा तो बोल देंगे कि यह स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है उसके फोर साइड्स हो वो भी इक्वल होना चाहिए और ये डायगोनल आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है, आपस में इक्वल होने चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम लोग जैसे जैसे सपोज दैट ये दिया, तो नेक्स्ट अब हम लोग बना लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ कि ये क्या गिवन है, ए बी, ताकि हमें फाइंड करने में इजी हो, सी एंड डी। गिवन पॉइंट ए क्या है, -1 -2 एंड बी है 1 0 1 0। नेक्स्ट सी, सी क्या है, -1 2 -1 2 और नेक्स्ट लास्ट डी क्या है, -3 0। तो -3 0 मुझे क्या फाइंड करने हैं, यहाँ पहले मुझे ए सी फाइंड करने हैं, ठीक है, ए सी और बी डी दोनों फाइंड करने हैं। तो पहले ए सी मैं फाइंड कर लेती हूँ, ए सी, ए सी के लिए क्या हो जाएगा अंडर रूट, चलो ए सी के लिए -1 -1 का होल स्क्वायर, फिर 2 -2 का होल स्क्वायर। तो क्या देख रहे हो, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो 0 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही दे देगा, तो चलो 2 2 4 4 का होल स्क्वायर 16 16 दिया, तो बाहर निकल कर ये 4 हो जाएगा। एसी में हमने फाइंड कर लिया, नाउ बी डी, ए बी एंड ए डी। तो इसके लिए एक्स टू क्या हो जाएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 -0 तो 0 ही हो गया, 0 का होल स्क्वायर, इट गिव्स -3 -1 -4 -4 का होल स्क्वायर 16 और 16 रूट के बाहर निकल कर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, ए सी इक्वल टू बी डी आ गया 4, ठीक है। तो हेंस हेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी, कितना दिया अंडर रूट 8 एंड इसका डायगोनल AC is equal to BD क्या है 4 दिया। तो क्या कह सकते हो, hence given points are square, ये क्या form हो गया एक square, ये आपको square दे दिया, ठीक है, ये किस type का quadrilateral हो गया, square हो गया। चलो similarly next point पर हम लोग देख लेते हैं, next point ये क्या है, तो मैं बोलूँगी next point आप खुद से solve करके देखना ये point, और मैं hint दे देती हूँ, जब ए बी इज ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, बी सी नॉट इक्वल टू सी डी, सी डी नॉट इक्वल टू ए डी, ये कुछ ऐसा देगा, इस टाइप का देगा, इट मीन्स क्या है कि ये कोई भी क्वाड्रिलेटर फॉर्म नहीं कर रहा है, इससे कोई भी क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगा, तो ये आप खुद से सॉल्व करना। मैं नेक्स्ट, चलो इसमें मैं बता देती हूँ, ये नंबर 3 जो है ये मैं बता देती हूँ। तो इसमें आप कैसे कर लोगे, फिर ए के लिए गिवन पॉइंट है तो क्या होगा, ए 4 5, बी 7 6, सी 4 3 एंड डी इज इक्वल टू 1 2। तो आप फाइंड कर लो ए बी, x2 - x1 वो तो सब में एक ही जैसा मैंने बता दिया है, उसी टाइप से आप लिखना। मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, सिर्फ 7 - 4 का होल स्क्वायर, फिर 6 - 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 - 4 3 3 का होल स्क्वायर करोगे 9, फिर प्लस 6 - 5 1 1 का होल स्क्वायर 1, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 ए बी। देन फाइंड बी सी, वॉट इज बी सी, तो बी सी में क्या हो जाएगा 4 - 7 4 - 7 का होल स्क्वायर, फिर 3 - 6 का होल स्क्वायर, इट गिव्स 4 - 7 - 3 - 3 का होल स्क्वायर करोगे तो 9 दे देगा, फिर प्लस ये 3 - 6 तो -3 - 3 का होल स्क्वायर करोगे तो 9 9 9 क्या हो जाएगा 18 अंडर रूट 18। चलो ए बी बी सी भी फाइंड हो गया, नेक्स्ट सी डी,
सीडी क्या दे रहा है, 1 माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर +2 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, क्या हो जाएगा, ये -3 देगा, -3 का होल स्क्वायर 9, फिर +2 माइनस 3, 2 माइनस 3 पर क्या हो जाएगा, -1 माइनस 1 होल का होगा 1, ये भी क्या दे देगा अंडर रूट 10, क्या देख रहे हो, ए बी भी अंडर रूट 10, सी डी भी अंडर रूट 10, तो नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं ए डी, ए डी क्या दे रहा है, ए और डी, तो ए डी x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ओके, नेक्स्ट -3 का होल स्क्वायर 9 देगा, और 5 माइनस 2 ये क्या देगा, -3 का होल स्क्वायर ये भी 9 देगा, तो ये क्या अंडर रूट 18, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हेयर बी सी दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्या हुआ अंडर रूट 10, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी अंडर रूट 18, तो क्या देख रहे हो अपोजिट, जो इसका अपोजिट डायगोनल, अपोजिट जो साइड्स है, अपोजिट साइड्स इसके इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा फिगर टेढ़ा हो गया है, तो ए बी सी डी अपोजिट साइड ए बी सी डी के इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है, तो ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दिस वन इज ए गिवन पॉइंट्स क्या फॉर्म कर रहा है, पैरेललोग्राम, डबल एल पैरेललोग्राम, इट फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम आपको बना रहा है, जो गिवन पॉइंट है इससे आप फाइंड क्या कर रहे हो, दो अपोजिट साइड्स इसके इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम बना रहा है, तो सेम सिमिलरली इसी टाइप का और भी अगर एग्जांपल कहीं से मिले तो आप उसे जरूर सॉल्व कर लेना, और उसकी प्रॉपर्टी क्या बोलता है बस प्रॉपर्टीज को माइंड में रखकर सॉल्व कर लेना। चलो मैं नेक्स्ट बता रही हूँ इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का जो ये है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9, मतलब सपोज एक बोल रहा है कि कुछ ऐसा पॉइंट आपको गिवेन बोला है, जो कोई ऐसा पॉइंट है, चलो मान लेते हैं मैं कि एक्स वाई है, कोई ये पॉइंट है, ठीक है, और बोल रहा है कि इसका इक्वल डिस्टेंस 2 -5 और -2 9, तो ऐसा कोई पॉइंट निकालो जो मतलब इक्वल डिस्टेंस पर हो, यहाँ से भी इक्वल हो यहाँ से, तो ये एक पॉइंट यही है जो इक्वल डिस्टेंस है, मैं यहाँ पर रफ में बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या, मैं तो यहाँ एक्स वाई ली हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे आपको निकालने के लिए तो सबसे पहले एक्स एक्सिस जो फाइंड करोगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स एक्सिस का, x 0, यहाँ पर वाई की जगह पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ऐसे आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे, मान लो सपोज दैट लेट पी एक्स जीरो, कोई पॉइंट पी है, सपोज दैट मैं मान लेती हूँ यही कोई पॉइंट पी है, पी एक्स जीरो इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो क्या है, व्हिच इज इक्विडिस्टेंस बोला है ना, व्हिच इज इक्विडिस्टेंस कहाँ से होगा, which is equidistant equidistance from this point, मान लेती हूँ मैं a मान लेती हूँ उसको a 2 -5 इतना, and b क्या है, and b -2 9, ये equidistance है उस point पे, तो आपको जैसे suppose that ये point अगर आपको find करने हैं, this one is A and this one is point B. तो क्या है, अगर आपको PA is equal to PV अगर आप find कर लेते हो तो क्या equal distance हो जाएगा, ये point जो है ये इस point से भी similar distance पर है और इस point से भी similar distance पर है, ठीक है, तो equidistance के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना होगा, तो ये equidistance खुद बोल रहा है, तो ये खुद क्या है given है, ये आपको गिवन दिया हुआ है, क्या
एपी बोलो या पीए बोलो, पीए इज इक्वल टू पीबी, ठीक है, ये खुद दिया हुआ है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, इसका लेंथ है, लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले पीए की वैल्यू एक्स टू माइनस एक्स वन ऐसे ही फाइंड करेंगे ना, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो चलो ये तो ए पी ए, तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जैसे कि x2 ये x1 y1 अगर मान लेते हैं, मैं सपोज कर लेती हूँ ये x1 है y1 है और दिस वन x2 y2 ये, तो आप इसके लिए क्या लिख लोगे, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस, ये तो x माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट क्या हो जाएगा y1, तो y2 माइनस y2, तो आप इसके लिए क्या कर लोगे फिर, या आप ऐसे भी कर सकते हो, हाँ कर लो, ये x x माइनस टू का होल स्क्वायर मैं लिख दी हूँ, तो ये जीरो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस फाइव, प्लस फाइव का होल स्क्वायर, एंड पी भी क्या हो जाएगा, पी भी आपका पी भी गिव्स पी एंड पी, तो इसमें इसमें अगर आप करोगे x माइनस माइनस प्लस टू का होल स्क्वायर फिर जीरो माइनस नाइन, तो क्या हो जाएगा माइनस नाइन का होल स्क्वायर, यही दे देगा। अब नेक्स्ट चलो क्या होता है, तो इस कंडीशन में ऐसे जो आपको जब क्वेश्चन दे देंगे तो आप एक बार ऐसे सॉल्व कर लो, एक बार तो आप ऐसे ही जो दिया है उसको कर लो, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस फाइव का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, और दिस वन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर एंड नाइन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन का एट्टी वन। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव, और इधर क्या हो जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस एट्टी वन, ठीक है, ध्यान से देखना, फिर यहीं पे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो फोर एक्स प्लस बी स्क्वायर फोर प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू फोर एक्स प्लस फोर प्लस एटी वन, ठीक है, सिमिलर चीज दे रखा है ये, तो यहाँ से कुछ दिख रहा है कि कुछ कर सकती हूँ, क्या हो जाएगा इस साइड एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल कैंसिल, और नेक्स्ट प्लस फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा इधर, अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ, चलो माइनस फोर एक्स इस साइड आ जाएगा तो प्लस फोर एक्स हो जाएगा, इट मीन्स एट एक्स हो जाएगा, एट एक्स यहाँ आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू क्या दे देगा आपको माइनस देगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो 25 माइनस 81, ओके ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 81, 25 माइनस 81 करोगे तो क्या होगा 56 देगा, और ये माइनस 56 देगा, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे, x की वैल्यू x करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 56 अपॉन 8 कैंसिल होगा 7 से, x इज इक्वल टू माइनस 7, तो हेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस हेंस माइनस सेवन और जीरो इज रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से ही पूछ रहा है, यही माइनस सेवन, यही माइनस सेवन और जो ये जो पॉइंट गिवन है यही आपका क्या है इक्विडिस्टेंस, यही जो पॉइंट आपने फाइंड किया ना, तो ये माइनस सेवन जीरो है, यही एक पॉइंट है जो इससे भी सेम सिमिलर डिस्टेंस पर है और इस पॉइंट से भी सिमिलर डिस्टेंस पर है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जांपल में भी है, तो मतलब वो भी आप सॉल्व करके देखना, वो भी सिमिलरली इसी प्रोसेस से बन जाएगा, कोऑर्डिनेट अगर दे रखा है तो कोई बात नहीं, एक्स एक्सिस बोल रहा है तो एक्स जीरो होगा, अगर वाई एक्सिस बोल रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जीरो वाई, ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फिर गिवन पी एंड क्यू इज 10 यूनिट, इसमें अब आपको दे रखा है
चलो दिस वन, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 2 और -3 है, और क्यू इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 10 एंड वाई, ऐसे मैं लिख देती हूँ, 10 और वाई है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 यूनिट्स, ओके, ये 10 यूनिट्स जो डिस्टेंस है, ये पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस है, तो ये आपको दे रखा है और आपको बोल रहा है कि फाइंड करने, तो क्या हो जाएगा, मान लो इसको x1 y1 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा x2 y2, ये जो गिवन कोऑर्डिनेट है, तो अब आपको आप क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू के लिए कुछ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना गिवन दे रखा है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए तो आप यही फाइंड करोगे, पी क्यू फाइंड करोगे, क्योंकि पी क्यू ही आपको दे रखा है 10 यूनिट्स, तो पी क्यू के लिए क्या आप कर लोगे, अंडर रूट x2 माइनस, लिख लो एक बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके, तो क्या गिवन है, x2 मेरा ये जो हमने मान लिया, तो x2 क्या हो जाएगा, 10 ही तो दिया है, 10 माइनस 2 कर लोगे, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या करना चाहिए हमें, फिर y है, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ये ठीक है, और ये पी क्यू जो है, पी क्यू ही तो ये डिस्टेंस है, ये तो 10 यूनिट दे रखा है, तो इसे मैं 10 लिख दूं, बिल्कुल लिख देती हूँ, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 64, प्लस ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है, तोड़ लूँ क्या, नीचे बाद में तोड़ लेती हूँ, इसे वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर कर दो, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो क्या हम लोग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करने पर 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 100, और ये रूट हट जाएगा, तो 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ओके, ये देगा, तो अब सॉल्व कर लो इसे, 64 प्लस क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6y+b² 9, ये देगा ऐसे, तो इसको अच्छे से आप कर लो सॉल्व, वाई स्क्वायर प्लस 6y+ 64 करोगे, 64+9 करोगे तो क्या हो जाएगा, 73 आ जाएगा, 73, और ये 100 जा जाएगा, तो -100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लिखो पहले वाई स्क्वायर प्लस 6y, ओके, और माइनस 100 माइनस 73 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज 27, ओके, इज इक्वल टू 0, नाउ सॉल्व इट, वी नीड टू सॉल्व इट, दिस इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, वाई स्क्वायर कैसे सॉल्व करें, वाई स्क्वायर प्लस 9y-3y, क्वाड्रेटिक से इसको सॉल्व कर लो, 27 इज इक्वल टू 0, देन क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लोगे, y प्लस 9, हियर माइनस 3 कॉमन ले लोगे, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, अब क्या आ गया ये, y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो अब ये क्या देगा, एक बार तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और यार y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए ये क्या वैल्यू देगा, y इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू +3, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, y की वैल्यू क्या दे दी, दो वैल्यू दे दी, एक -9 और एक 3, तो यही यही आपकी y की किस बोला किस वैल्यू के लिए, तो y की इसी वैल्यू के लिए, यही तो फाइंड करना था इस कोऑर्डिनेट, तो y की दो वैल्यू है इसी के लिए आपको ये सब करना पड़ा है, तो ठीक है, जैसे बोले जो दिया है उसको पुट करके फिर हम उसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट गिवन है, हाँ, इफ q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब यहाँ पे x बोला है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, ठीक है, तो Q आप दे रखा है, अब क्या है, ये भी बोला है कि इक्वल डिस्टेंस कहाँ से होगा इस पॉइंट का, तो आप भी मान लो कि जैसे हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि 9 है, तो इक्वल डिस्टेंस करने के लिए क्या होगा, सिमिलर फिर मैं उसी तरीके से देख रही हूँ, बोला कि Q इस पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस पर है और इस पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस पर है, तो अगर मैं मान लूँ ये क्यू है
क्यू जीरो वन है और दिस वन इज पी, ठीक है, 5 माइनस 3, और ये क्या है, आर है, ठीक है, और आर क्या है, एक्स और 6, ठीक है, ये दे रखा है। तो बोल रहा है कि क्या ये जो है सिमिलर इस पॉइंट से भी, इस डिस्टेंस पर और इस पॉइंट पर भी सिमिलर डिस्टेंस पर, ऐसे है क्या? तो देख लेते हैं, इक्वी डिस्टेंस है। इसके लिए एक ये दो तरीका भी हो सकता है। इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं क्यू को, सपोज दैट ये मैं ऐसे बढ़ा दूं और बीच में मैं क्यू रखूं, तो एक ये भी हो सकता है, ये पी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, कि इस पोजीशन पर ये है तो ये सिमिलर डिस्टेंस पर यहाँ से भी है, सिमिलर डिस्टेंस पर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मैं ये लेकर चल रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ से सिमिलर डिस्टेंस पर ये है क्या। तो फिर इसके लिए भी फिर क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, ये गिवेन है मेरा, तो गिवेन ही है, इस क्या हो जाएगा, गिवन क्या है, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है, खुद बोल रहा है, तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर होगा, तभी तो इक्वी डिस्टेंस है। अब क्यू पी का लेंथ फाइंड कर लेना है और क्यू आर का लेंथ फाइंड कर लेना है, तो क्यू पी क्या हो जाएगा, फिर अंडर रूट, फिर वही प्रोसेस क्यू और पी। चलो क्यू पी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो क्यू पी अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ये मुझे क्यू और पी, तो 0 माइनस 5, तो उसको लेकर कर लेते हैं, तो -5 का होल स्क्वायर, फिर +1 माइनस, तो -+ तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और सॉरी दिस इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर अब इस पॉइंट का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस, तो -x का होल स्क्वायर, फिर +1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो क्या ये हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर 25, +3 +1 4, 4 का होल स्क्वायर 60 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, तो -5 का होल स्क्वायर 25 ये दिया। अब क्या कर सकते हैं, ये क्या हो गया, अगर इसे ऐड करना है, ऐड करके अगर हम लोग लिख ले तो क्या हो जाएगा, ये आपको 41, ये 41 देगा, ठीक है, 41 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, क्या फाइंड हो जाएगा, 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 41 माइनस 25, 41 माइनस, अगर 25 कर लोगे तो क्या 16 देगा, इट गिव 16, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसीलिए एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू +-4, दो वैल्यू आ जाएगी। वही एक्स इज इक्वल टू एक्स की किस वैल्यू पे, दो दो बोला ना, दो कंडीशन होगा, एक तो यहाँ पे, यहाँ ये तो क्यू अगर यहाँ पर है तो, या क्यू फिर यहाँ पर है, कोई भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो एक्स की क्या दो वैल्यू दे दी +-4। अब जब एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर रखा, तो क्या ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, क्यू आर फाइंड कर लोगे। अब ये आर कोऑर्डिनेट क्या गिवन हो गया, एक बार अगर आर को 4 लेकर चल रहे हैं, +4 4 6, ठीक है, तो यहां से आप फाइंड कर लोगे क्यू आर, फिर क्यू आर फाइंड कर लेना है, और नेक्स्ट फिर पी आर, मतलब अब ये डिस्टेंस जो इसका आएगा पी आर, तो ये कोऑर्डिनेट है, तो आप इसका क्यू आर लेंथ एंड पी आर लेंथ फाइंड करना खुद से, ठीक है, क्या आता है वो आप फाइंड कर लेना। तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा, और इक्वी डिस्टेंस वाले हैं, तो सिमिलरली फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना। फिर सिमिलर सेम क्वेश्चन ये आप पर रिपीट हो गया है, क्या बोल रहा है कि मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देती हूँ, पहले तो आप वही लिख लेना, लेट पी एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई पॉइंट की बात हो रही है, लेट पी एक्स वाई बी क्या है, ये पॉइंट है क्या, इक्वी डिस्टेंस है, इतना इज, सॉरी इतना पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस,
देन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम किस पॉइंट से, जो दिया है वो लिख दो, फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट सपोज दैट इसको ए मान लो, पॉइंट ए 36 एंड बी -34, ठीक है, ये पॉइंट निकालो, तो ये इक्विडिस्टेंस इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको क्या फाइंड करना है, पी ए, अब वो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो मतलब क्या यही तो होगा, ये पी ए जो है ये सिमिलर डिस्टेंस पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए और पी बी फाइंड कर लो कि दोनों दोनों इज इक्वल टू गिवेन है, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू या जो भी रिलेशन है वो आपको मिल जाएगा, तो आप पी ए और पी बी फाइंड करके देखना, फिर आपको कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसका एग्जाम्पल है वो आप बना लो, या फिर मैं एक दो एग्जाम्पल और है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका एग्जाम्पल डाल दूंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।